तो उत्तराखंड में भले ही मतदान हो चुका है लेकिन सियासत का रुख अभी भी गर्म है। एक तरफ जहां सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही है तो वहीं अब पोस्टल बैलेट पेपर को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिए पोस्टल बैलेट पेपर में गड़बड़ी का वीडियो वायरल होने की बात कही है तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इसको लेकर कांग्रेस की बौखलाहट बता रहे हैं और इस वीडियो को फर्जी बताया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ शाहीन चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से खास बातचीत की। मतदान के बाद नतीजों का इंतजार है और नतीजे 10 मार्च को आएंगे। 10 मार्च से पहले दो बातें सामने आई हैं, ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अनुमान भी लगा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी, उनसे बात करेंगे। प्रीतम सिंह जी, मतदान हो गया है, नतीजे 10 मार्च को आएंगे, कांग्रेस का क्या आकलन है? देखिए, अब तो हर चीज़ जो है ईवीएम में बंद हो गई है, 10 तारीख को परिणाम आएंगे। लेकिन चुनाव से पहले और चुनाव के दरमियान जब हम आम लोगों के बीच में जा रहे थे तो जिस तरीके से लोगों का रुझान था, लोगों का प्यार स्नेह आशीर्वाद कांग्रेस को मिल रहा था, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि 2022 के इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। सर, चकराता आपकी परंपरागत सीट है, चकराता की जनता का एक बार फिर आशीर्वाद मिला है? देखिए, मैं समझता हूँ कि चकराता के लोगों ने विकट परिस्थितियों में भी कांग्रेस के साथ खड़े होने का काम किया है और मुझे यकीन है, भरोसा है कि 2022 के इस चुनाव में लोग फिर से एक बार कांग्रेस में विश्वास व्यक्त करेंगे। बीजेपी 60 पार की बात कर रही है, आपका आकलन क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत है, जब जब राज्यों में चुनाव होते हैं तो वो इस तरीके का टारगेट जो है रखते हैं। आप देख लीजिए, इसके उदाहरण है हमारे सामने, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन राज्यों में जब विधानसभा चुनाव हुए तब भी भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट फिक्स किया था लेकिन इन राज्यों में सरकार नहीं बना पाए और यही हश्र जो है उत्तराखंड राज्य के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। बात आपने ठीक कही है, मगर वो तो जैसे सीटों की बात कर रहे हैं कि हम 60 पार जा रहे हैं, आपने भी अपना आकलन किया होगा तो आपको सीटों के में कहाँ अनुमान लगता है, कांग्रेस कहाँ अपने आप को पा रही है? नहीं, देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि भाजपा का तो चलन है, चरित्र है कि हर समय जब चुनाव होता है तो इसी तरीके की बात करते हैं। उन्होंने यहाँ 60 पार की बात कही, उत्तर प्रदेश में कही कि पिछले से भी हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, वो उत्तराखंड में भी हार रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी हार रहे हैं, पंजाब में भी हार रहे हैं, गोवा में भी हार रहे हैं, वो तो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 5 के 5 राज्यों में हार रहे हैं, लेकिन टारगेट तो उनका जब तक चुनाव परिणाम नहीं आते तब तक बना रहता है। कांग्रेस जो है निश्चित रूप से 45 के और उससे अधिक सीटें जो प्राप्त करती है। सर, मतदान से पहले, जैसे मतदान हो गया, अब नतीजे आने हैं, नतीजों से पहले जो है ईवीएम और पोस्टल बैलेट को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पोस्टल बैलेट के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ कि पोस्टल बैलेट जो है जो आ रहे हैं वो जब 80 साल से ऊपर के लोगों के वोट कास्टिंग हो रहे थे तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, बल्कि वो निर्वाचन आयोग के पास गए भी, उन्होंने शिकायत दर्ज की कि कोई सूचना जो है जो प्रत्यक्ष उनको नहीं उपलब्ध हो पाई है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है और भाजपा का जो है जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है वो ऐसा ही है कि वो हमेशा जो है इन तमाम चीज़ों में जो है कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ी करने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिस वीडियो वायरल में जो है एक ही व्यक्ति जो है फौज के वोटों को टालने का काम कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए ताकि असलियत सामने आ सके। और हम कहना भी चाहते हैं, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जो है हम चाहते हैं कि चाहे बैलेट हो चाहे ईवीएम हो, सब पर जो है जो निर्वाचन आयोग है उसकी नजर रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया है कि जो ये वीडियो जारी किया गया है ये फर्जी वीडियो और कांग्रेस के द्वारा जारी किया गया है। मुख्यमंत्री जी के पास ऐसी कौन सी मशीन है जिसके आधार पर उन्होंने कह दिया कि ये वीडियो फर्जी है और कांग्रेस के द्वारा जारी किए गए? सरकार में कौन है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं?
जांच कराए ना, अगर कांग्रेस ने ये वीडियो फर्जी है और कांग्रेस ने जारी किया तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। अरे हम जा रहे हैं चुनाव आयोग के पास शिकायत करने, तो जब सरकार के संज्ञान में है तो सरकार मौन क्यों? बयान देने से थोड़ी बात बनेगी कि मुख्यमंत्री बयान दे और इतिश्री हो जाए, करे कार्रवाई। ये तो भाजपा है, ये तो हमेशा इस तरीके के कृत्य करती रहती है। सर नतीजे 10 तारीख को आएंगे, 10 तारीख से पहले उत्तराखंड की जनता को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मुझे उत्तराखंड की जनता पर पूरा भरोसा है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए थे, उन वादों में से एक भी वादा जो है सत्ता में बैठे लोगों ने पूरा नहीं किया है। तो उत्तराखंड के जी जो कह रहे थे कि कांग्रेस की स्पष्ट मेजोरिटी की सरकार रही है, हम 45 प्लस सीटें जीतने जा रहे हैं, और जो माहौल दिख रहा था चुनाव के समय में उससे भी ऐसा लगता है कि जनता ने कांग्रेस के प्रति अपना वोट किया है। अपने सहयोगी प्रेम और शाहबाज के साथ मैं शाहीन चौधरी, टीवी अंडर देहरादून। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं किस तरीके से क्या कुछ कहा। देखिए उत्तराखंड में भले ही मतदान हो चुका है लेकिन सियासत अभी भी गर्म नजर आ रही है। तमाम तरीके की दावा जो है वो किया जा रहा है, जहां एक तरफ जीत का दावा किया जा रहा है तो वहां तमाम जो बयानबाजी है वो भी की जा रही है। हम आपको बता रहे हैं पोस्टल बैलेट पेपर पर अब बयानबाजी का दौर जारी है, क्योंकि इसको लेकर जहां हरीश रावत ने एक ट्वीट किया था, एक वीडियो ट्वीट किया था, अब उसके बाद तमाम जो नेता हैं वो भी मैदान में उतर चुके हैं और तमाम तरीके की जो बयानबाजी है वो इस दौरान की जा रही है। तो देखिए